करके इसको दूसरा रूम में बंद करते, हमको भी दूसरा रूम में। अब पता नहीं इसको कौन सी लेके मारे, नहीं कहाँ मारे, मारा लेकिन करो? दिखाई से तो देता है कि बिजली का झटका है। जो कैसे मारा उसको, क्या? उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अजब प्रेम की गजब कहानी, रूह कांप जाता है ऐसी घटना को सुनकर। बिजली के करंट लगाकर प्रेमी को मार दिया। लड़की घर बुलाई थी लड़का को मिलने के लिए, ठीक है, उसके घर वालों ने पकड़ लिया, पकड़ कर जम कर कूटा। उसके बाद फिर लड़की वालों ने लड़का को करंट लगाकर जान से मार दिया। सबसे पहले देखिए इस 2 मिनट के वीडियो को, फिर मिलते हैं भैया। इसके बाद भैया का साला इस सबको मिल के उधर से इसको निकाल के हमको भी दोनों में, और मेरी भाई बहन की दुल्हा हस्बैंड मेरी बहनाई वो भी थे, सब तो निकल कर। अच्छा। तो पता नहीं हमको, हम नहीं देखे इतना, हमको नहीं भी देखने दिया। फिर सुबह में सब आदमी बैठे को समाज का, तो बोले कि ठीक है शादी करवा दीजिए, तो बोले ठीक है। वो क्या बोला मेरा बहनाई कि नहीं होने देंगे शादी, दोनों को काट के। क्या नाम है बहनाई का? पवन यादव, मधुबन का है। आपका पिता का क्या नाम? धीरेन्द्र यादव। आपका नाम? आरती कुमारी। इसका क्या नाम है? छोटू। किसका पिताजी का नाम? उमेश यादव। तो जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लड़की बोल रही है कि हमारे भाभी और भैया जो है मिल के बुलाए लड़के को कि आओ शादी करवा देंगे दोनों को, लेकिन ये सोचा समझा जो है साजिश था एक तरह से। दोस्तों बता दे आप सभी को कि दोनों लड़का लड़की एक ही कास्ट के थे, एक ही जाति के थे। हमारे देश में बहुत सारे जातिवाद को भी देखा जाता है, तो एक ही जाति एक ही कास्ट के थे दोनों। और लड़की के घर के बगल में लड़का का ननिहाल था, लड़का वहीं पर गया हुआ था लड़की से मिलने के लिए। तो इसमें लड़की वालों ने लड़का को जान से मार दिया, वो भी करंट लगाकर मार दिया। लड़की का बुरा हाल है, तड़प तड़प के रो रही है। ऐसा खबर आ रहा है कि लड़की का भी मौत बहुत जल्द हो जाएगा, या हो भी गया होगा पता नहीं। तो दोस्तों ये घटना 3 दिन पहले की है। रानीगंज प्रखंड की लड़की थी और भरगामा प्रखंड का लड़का था, जो कि बिहार अररिया जिला में पड़ता है। और दूसरी बात ये भी बता दें आप सभी को कि हमारे घर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर उन लोगों का घर है। हमें पता नहीं था, अचानक ये खबर हम लोगों को पता चला, तो हम लोग सोचे कि आप लोगों को बताते हैं। हमारे गांव में यानी हमारे क्षेत्र में काफी हलचल मचा, मचा हुआ था। रोड जाम किया गया, आग लगा दिया गया, हर जगह पूरा माहौल गर्म है। पुलिस वालों ने पकड़ कर लड़की वाले के घर वालों को ले गया। लड़की का जीजा उसका हत्या किया है, लड़की स्पष्ट बता रही है। और दोनों जबकि एक ही बिरादरी के थे। ये कैसे हो सकता है कि आज के प्रेम प्रसंग को भी लोग नहीं समझ पाते हैं, जबकि दोनों एक ही जाति बिरादरी के थे। वहाँ हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मारा। कौन मारा? मेरा घर का लोग सब, मेरा बहू नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मायके का सब भाई, उसका पापा मम्मी सबका सपोर्ट था उसके हाथ में। उसके लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो, सुबह में भी बोले सबकी मार दो, दोनों को बोले।